नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि चीन जो है एक बार फिर से, देखिए ये तो अपनी हरकतों से बाज आ ही नहीं रहा कि पेंगोंगसो झील के ऊपर लगातार ये पुल पे पुल बनाए जा रहे हैं। ये दूसरा पुल निर्माण कर रहा है, इसने पहले पुल का निर्माण किया था तकरीबन 4 महीने पहले। एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए की थी जिसके अंदर बताया था कि चीन जो है पुल बना रहा है पेंगोंगसो झील के ऊपर। खैर, उसको लेकर पॉलिटिकल भी काफी विवाद रहा था। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जैसे कि कांग्रेस, उन्होंने बीजेपी के ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप किए थे। खैर, उनके ऊपर तो हम नहीं जाने वाले हैं। वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्चुअल में जो चीन है वो पुल बना कहां रहा है, झील की लोकेशन मैंने आप लोगों को बताई थी। और एक बार फिर से उस चीज को हम देख लेते हैं कि जो पेंगोंगसो झील है उसमें भारत का कितना हिस्सा आता है और जो चीन है वो पुल बना कहां पे रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडीएफ के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, 4 महीने पहले एक वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए कराई थी कि लद्दाख में पेंगोंग झील के ऊपर बना रहा है ब्रिज चीन, और क्या ये भारत के लिए चिंता की बात है? ऑब्वियसली भारत के लिए ये चिंता की बात है। और यहां पर मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि कैसे चीन जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, पुल बना रहा है, और भारत इसके काउंटर में क्या क्या कर रहा है। खैर, अभी यहां पर खुद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इस बात की पुष्टि की है कि जो पेंगोंगसो झील है उसके ऊपर दूसरे पुल का निर्माण कर रहा है। और ये जो आप इमेज देख रहे हो ना, यहां पर देखिए, ये सैटेलाइट के द्वारा ली हुई एक इमेज है। ये फर्स्ट ब्रिज, जब फर्स्ट ब्रिज का निर्माण कर लिया गया था उसके द्वारा, चीन के द्वारा, तब ये यहां पे ली गई थी। और यहां पर आप ये देखेंगे ना, ये है पेंगोंगसो झील, ये होगी पेंगोंगसो झील। लगभग इसकी जो लेंथ है वो है 135 किलोमीटर, और इस 135 किलोमीटर में से भारत के हिस्से में आता है 45 किलोमीटर, बाकी का हिस्सा चला जाता है अपना 90 किलोमीटर के नजदीक लगभग चीन के पास चला जाता है। यानी एक तिहाई हिस्सा हमारे पास है, दो तिहाई हिस्सा किसके पास है, चीन कब्जा के बैठा है। अब यहां पर जो ब्रिज है उसकी जो यहां पर सिचुएशन, या जो सिचुएशन क्या, जो यहां पर इसकी स्थिति बताई गई है कि कहां पर ये ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है, इसकी साइट कहां पर है, ये फिंगर 8 से लगभग 20 किलोमीटर पूर्व की पूर्व में झील के उत्तरी तट पर है, जहां से वास्तविक नियंत्रण रेखा गुजरती है। हालांकि सड़क मार्ग से वास्तविक दूरी पुल की जो सिचुएशन नहीं, मतलब कि जो साइट है, एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो फिंगर 8 से लगभग 35 किलोमीटर से अधिक है। खैर, अभी तो आप लोगों को फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 8 यहां तक मैं आप लोगों को बताता हूं ये है काम मैप के थ्रू। देखिए, आप यहां पर देखेंगे ना, ये फिंगर 1 हो गया, ये फिंगर 2, ये फिंगर 3। फिंगर कहते हैं किसको, जो एक ऐसी आप आकृति देखते हैं ना, ऐसा एक डायग्राम से समझ लीजिए, जो एक तरीके से पानी के अंदर उंगलियों के तरीके से निकली हुई है, ये कहलाती है आपकी फिंगर्स। ये रही, ये होगी फिंगर्स। फिंगर जैसी एक आकृति जैसी बनी होती है ना, उंगलियों जैसी, तो ये नहीं को फिंगर्स कहा गया है। अब यहां पर जो है फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक, अब भारत क्या कहता है कि भारत का दावा है इस फिंगर 8 तक, लाइन ऑफ एक्चुअल करंट रोड यानी LAC के नजदीक हमारा यहां तक दावा है। चीन कहता है भाई, जो हमारा जो एरिया, चीन का कहना है कि चीन कहता है कि इनका जो एरिया है वो आता है फिंगर 4 तक, एक्चुअल में ये तो फिंगर 2 तक भी दावा करते हैं। खैर, अब यहां पर दोनों जो देश हैं वो फिंगर 4 यहां से लेकर ये वाला जो एरिया है यहां पर कोई भी नहीं आता, इसको बफर जोन कहा जाता है। यानी ना यहां पर चीन वाले आते हैं ना यहां पर भारत वाले आते हैं। तो यहां पर 2020 में जो एक इशू हुआ था ना, जहां पर दोनों ही देशों के बीच, के सेनाओं के बीच में झड़प हो गई थी, वो एक्चुअल में चीन जो है यहां पर अंदर आ गया था। जब यहां अंदर आ गया था तो इनको खदेड़ने के लिए भारत वाले भी अंदर आ गए थे, और यहां पर झड़प हो गई थी 2020 के अंदर। अब यहां आपको समझना है कि जो ब्रिज बन रहा है वो फिंगर 8 के ईस्ट में लगभग 20 किलोमीटर या फिर कहीं 35 किलोमीटर, ऑन एन एवरेज 35 किलोमीटर तक का यहां पर क्या है, एक ईस्ट की तरफ जाएंगे ना आप, इस तरफ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहां पर ब्रिज निर्माण कर रहा है एक तरीके से चीन। अब यहां पर अक्साई चीन है जो चीन के द्वारा कंट्रोल, यानी हमारा ही एरिया एक तरीके से ये, और हमारे एरिया के अंदर जो उसने ऑक्यूपाई कर रखा है चीन ने, उस एरिया में ये पुल का निर्माण कर रहा है। अब यहां पर एक ऑलरेडी पुल वो बना चुका है, सेकंड पुल वो बना रहा है, क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपके सामने फिंगर्स। अब यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया 135 किलोमीटर की जो है ये पेंगोंगसो झील है, और हमारे पास 1/3 हिस्सा आता है और चीन के पास 2/3 हिस्सा जाता है, क्लियर। अब आगे चलते हैं,
खैर ये हो गया। अब यहां समझना, ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होता है, यहां पर ये साउथ होता है, बना यहां पर ये बना चुका है, और एक और जो नजदीक नजदीक जो यहां पर संकरी एक इलाका होता है ना नैरो, उन दोनों को फिर से जोड़ने के लिए बना रहे हैं। अब बना क्यों रहा है अभी ये आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि देखिए यहां से लेके यहां तक क्या, यहां चीन का एक बेस है। अब इतना आने में लगभग चीन को, यहां पर जो इशू हुआ था हमारे सामने 2020 के अंदर, तो चीन को अपनी आर्मी भेजने में यहां टाइम लग गया था, क्योंकि इसकी जो आप लेंथ देखेंगे ना, ये देखिए ये काफी ज्यादा है। अगर अब ये ब्रिज बन जाता है एक और, तो इनके जो है वो 130 किलोमीटर का रास्ता जो है वो लगभग कम हो जाएगा। तो 130 किलोमीटर ऑब्वियसली इससे कम होने से चीन को फायदा, और यहां पर इसका एक बेस कैंप भी है, वो भी मैं आप लोगों को मैप के थ्रू समझाने वाला हूं। अब आइए कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए इसका निर्माण जो है खुरनू किले के ठीक पूर्व में, जहां चीन के प्रमुख रक्षा ठिकाने स्थित हैं, चीन इसे रुटोंग देश कहते हैं। देखिए अभी मैं आप लोगों को मैप की, ये देखिए यहां है खुरनोक फोर्ट जो चीन का है, और यहां पर वो निर्माण कर रहा है इसका, यहां पर इसके यहां पर जो है वो पुल का निर्माण कर रहा है। क्यों कर रहा है कि यहां पर रुटोंग जो इसका मेन बेस है चीन का, यहां पर है, यानी कि सबसे बड़ा बेस कैंप है चीन का, और यहां पर काफी ज्यादा मात्रा में यहां पर इसके सैनिक मौजूद हैं, इसके हथियार मौजूद हैं, इसके जो व्हीकल्स हैं मिलिट्री व्हीकल हैं वो मौजूद हैं। तो अब यहां पर इस रास्ते से, ये ओल्ड रूट है, इस तक यहां पर पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन यहां अगर ब्रिज का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है, एक और ब्रिज का निर्माण कर देंगे तो कहा ना मैंने 130 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा इनका, और यहां पर जो 12 घंटे जो लगते थे, 12 घंटे से लगभग 4 घंटे में वो रास्ता कंप्लीट हो गया, यानी पहले वो 12 घंटे लगते थे, अब वो 4 से लेके 5 घंटे में वो रास्ता कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली चीन के लिए यहां पर जल्दी से जल्दी अपनी सेना भेज पाएगा अगर कोई आने वाले टाइम में इशू हो रहा है। खैर ये चीन का पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी आपको भारत का भी पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि भारत इसको काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है। अब यहां पर आते हैं फिर से, तो खुरनो किले के ठीक पूर्व में जहां चीन का प्रमुख रक्षा ठिकाना है, उसमें यहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है, और चीन इसे रुटोंग देश कहता है। खुरनो किले में इसकी एक सीमांत रक्षा कंपनी है, इसके आगे पूर्व बनमोझांग में एक वाटर स्क्वाड्रन तैनात भी है। हालांकि 1958 से चीन क्या कर रहा है, इसे नियंत्रित करते आ रहा है, जो एक्चुअल में है तो हमारा ही एरिया है, और भारत ने हमेशा इसे कहा है कि चीन इसको अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है यहां पर। अब यह निर्माण कैसे मदद करेगा चीन की, देखिए ये जो पुल है झील के सबसे संकरे बिंदुओं में से एक है, संकरे बिंदुओं को में से मतलब उन दोनों को जोड़ रहा है जो एलएसी के सबसे नजदीक है, और ये निर्माण दोनों किनारों को जोड़ेंगे, जिससे पीपल लिबरेशन आर्मी जो चीन की जो आर्मी है, जो उनके सैनिक है, जो वहां पर उसके जो व्हीकल्स हैं उनको जल्दी से जल्दी यहां पर ट्रांसपोर्ट कर सके, उसमें से जो समय की कमी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और यहां पर इस पुल के निर्माण से जो G219 जो राजमार्ग है, चीन का राष्ट्रीय राजमार्ग है, उससे सैनिकों की आवाजाही में 130 किलोमीटर की कमी आएगी। G21 यहां पर आप देखेंगे ना, G21 ये रहा इसका राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इसमें जो है वो 130 किलोमीत्र की कमी आ जाएगी। अब पेंगोंगसो झील के बारे में जान लेते हैं, ये कितनी फेमस है, इसकी विशेषता क्या है। देखिए एक तो सबसे ऊंची यहां पर ये मौजूद है, 14,000 फीट यानी 4,350 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। लगभग इसका 135 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें भारत के पास एक तिहाई हिस्सा आता है और चीन के पास दो तिहाई हिस्सा आता है, यानी लगभग 45 किलोमीटर भारत के पास और 60% हिस्सा किसके पास चला जाता है, ये चीन के पास चला जाता है। और हिम जो ग्लेशियर होते हैं उनके पिघलने से क्या है, इस झील में चांग चनमो रेंज की पहाड़ से नीचे की ओर झुके हुए, जिन्हें हम कहते हैं उंगलियां, यानी फिंगर्स के रूप में उनको एक तरीके से बुलाया जाता है। और यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की एक झील है, हालांकि इसका जो पानी है वो जमा रहता है, जम जाता है, और इसमें बहुत माइनर टाइप की वनस्पति पाई जाती है, और सर्दियों के दौरान एक इसमें क्रस्टेशियन को छोड़कर बाकी जो जलीय जीव या मछली इसमें नहीं मिलती, और ये एक तरीके का एंडोफ्रिक बेसिन, एंडोफ्रिक का मतलब होता है, ये जो झील है आपने देखा हो, यहां देखिए किसमें दिखेगा, हाँ यहां देखिए, आप यहां देखेंगे ना तो ये कहीं पर भी गिरती नहीं है, इसका पानी बस अपने अंदर ही रह जाता है, ये जम जाता है और इसी में बह कर रह जाता है। तो इसको यानी इसको बोला जाता है, कहां गया ये रहा एंडोफ्रिक, जिसका मतलब यह जल ये अपने जल को बनाए रखती है और अपने जल को बही प्रवाह यानी किसी और के अंदर बाहर की बाहरी जल के अंदर, जैसे कि महासागर नदियों इसमें नहीं, ये अपने मतलब उसके अंदर जल नहीं गिराती। पेंगोंगसो अपनी बदलती रंग के कारण काफी ज्यादा लोकप्रिय है, मतलब इसका रंग बदलता है, जैसे
नीले से हरा, हरे से लाल रंग हो जाता है, तो इसके लिए काफी ज्यादा सुंदर लेख है ये। और चीन द्वारा ये जो काम किया जा रहा है इससे क्या क्या इसको फायदा होगा, देखिए 2020 में जो एक तरीके से झड़प हुई थी ये उसका निर्माण है एक तरीके। अब चीन को लगा था कि जो यहां पर पेंगोंग के ऊपर यहां पर हमारे बीच में भारत और चीन के बीच में जो झड़प हुई थी तो चीन को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाहिए थी, अपने सैनिकों को ये पहुंचा नहीं पाया था टाइम पर, जिसके कारण इसको लगा कि हमें कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन लेनी चाहिए ताकि कल को आने वाले टाइम में अगर झड़प होती है तो अपनी सेना को तुरंत वहां पर भेज पाए। तो ये उसका परिणाम है। अगस्त 2020 में भारतीय सेना द्वारा किए गए एक ऑपरेशन का परिणाम है जहां भारतीय सैनिकों ने क्या किया था, पेंगोंग सो के दक्षिणी तट पर एक चुसुल उपक्षेत्र में कैलाश रेंज की चोटियों पर नियंत्रित पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया था और अपने भारत का कब्जा कर लिया था। खैर यहां पर बताते हैं आपको, ये देखिए एक मिनट मेरे पास वो होगा, ये रहा देखिए, यहां हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो यहां पर एरिया जो था यहां पर हमने इस चीन को पीछे हटा दिया था, पीछे हटाकर भारत ने यहां पर कब्जा कर लिया था। खैर नॉर्थ में भी भारत जो है अपने निर्माण कार्य कर रहा है ताकि वो इनके ऊपर नजर रख सके। तो ये हो गया आपके सामने। अब इस अवस्थिति ने भारत की रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण, यहां पे पूर्ण एक मिस हो गया यहां पर, स्पेंगुर गैप पर नियंत्रण करने में सहायता की, जिसका इस्तेमाल चीन 1962 से कर रहा था और भारत ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। इससे क्या हुआ, भारत ने चीन के मोल्डो गैरिसन जो चीन का सैन्य अड्डा है उसके ऊपर एक डायरेक्ट हमारी निगरानी होने लग गई और अब यह चिंता का विषय बन गया चीन के लिए कि हम पर भारत वाले सीधा नजर रख रहे हैं। कि अब देखिए भारत वाले यहां पर बैठे हैं, चीन यहां बैठा, ऑब्वियसली हमारी नजर इनके ऊपर आसानी से बनी रहती है। अब चीन को होगी इससे टेंशन, अब चीन को टेंशन होगी तो इसको लगा कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो इसने जो ब्रिज का है निर्माण कार्य शुरू कर दिया। एक ये बना चुका था, दूसरा ये बना रहा है। अब इस ऑपरेशन के बाद भारत ने भी चीन की अवस्थिति की तुलना में खुद को ऊपर रखने के लिए झील के उत्तरी तट पर भी हमने अपने आप को वहां पर डाला, वहां पर क्लियर समायोजित अपनी पोजीशन वहां पर हम लेकर आए। अब देखिए चीन का उत्तरी तट 2020 में जो होने वाले संघर्ष से प्रमुख कारणों में से एक था। इस झड़प के दौरान दोनों पक्षों के 4 दशकों से पहली बार चेतावनी के रूप में वहां पर फायरिंग की गई थी। अब जो ये नया पुल बनेगा चीनी सैनिकों की आवाजाही में लगने वाले 12 घंटे से घटाकर 4 घंटे ये कर देगा, तो इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है ऑब्वियसली चीन को। अब आज की डेट की बात करें तो ये क्या आज में सिचुएशन क्या है, देखिए भारत और चीन में जो घातक झड़पें हुई थी गलवान घाटी में 2020 के अंदर, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। फरवरी 2021 पेंगोंग सो के उत्तरी और दक्षिण किनारों और अगस्त से गोगारा पोस्ट के पास PP-17A से सैनिकों को वापस बुला लिया गया, लेकिन तब से बातचीत की प्रक्रिया रुकी भी हुई है और गतिरोध शुरू होने के बाद से दोनों पक्षों के कोर कमांडर लगभग 15 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कोई भी यहां पर आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा। अब भारत की प्रक्रिया क्या है, देखिए भारत सभी चीन की गतिविधियों पर निगरानी रखे हुए है, ऐसा नहीं कि भारत कुछ नहीं कर रहा, भारत भी बहुत काम कर रहा है। भारत के BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, 2021 में लगभग 100 से अधिक जो परियोजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट है उनको पूरा कर चुके हैं जो चीन के साथ लगती हुए हैं, यानी सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ ये लग रही हैं। और LAC पर भी हम बहुत ज्यादा सुधार कर रहे हैं, भारत के उत्तरी सीमा बुनियादी ढांचे को, मतलब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया गया है, यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहे हैं और भारत अपने क्षेत्र को इस तरीके के अवैध कब्जे और अनुचित चीनी दावे को या फिर ऐसी निर्माण गतिविधियों को कभी भी स्वीकार नहीं करता। और हम भी लगातार यहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब कि काम करें, सबसे ऊंची सड़क BRO के द्वारा यही बनाई गई है जिससे क्या है कि भारत के सैनिक जो है वो तुरंत वहां पर पहुंच पाए। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अब आपको पता चलेगा कि चीन बना कर रहा है ब्रिज पे पेंगोंग सो झील के फिंगर 8 के ईस्ट की साइड में, जो लगभग 20 किलोमीटर के, जहां पर एक ब्रिज वो बना चुका है, दूसरा वो ब्रिज बना रहा है, जिससे यहां पर चीन को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो काफी सारे जो पॉलिटिशियन हैं, जहां पर ये बोला जा रहा है कि भारत के अंदर बना रहे हैं, तो भारत के अंदर वो इस तरीके से बोल रहे हैं क्योंकि ये एरिया वैसे भारत का ही है जिसने ऑक्यूपाई कर रखा है चीन ने, तो वो इस तरीके से बोल रहे हैं। खैर उम्मीद करता हूं कि पूरा लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की PDF जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक चैनल लिंक मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ ज्यादा ही पसंद आई है तो भैया आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं,
वीडियो के क्या चैनल को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर